Political dynamics of civil society. This is the topic for this session. Because civil society is the set of civic rights, including primarily everyone's right to participation in public life. Civil society forms the backbone of democracy, as well as democracy does not just revolve around what happens once in five years. फाइव ईयर्स मीन्स डेट सिर्फ डेमोक्रेसी का मतलब ये तो नहीं है कि इलेक्शंस में क्या हो रहा है बट हाउ राइट्स ऑफ द सिटीजन आर प्रोटेक्टेड क्योंकि जो असल मामला है डेमोक्रेसी का या किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट का वो तो ये है कि यह देखा जा सके कि लोगों के राइट्स को कैसे डिफेंड किया जा किया गया और लोगों की हैसियत लोगों का के मसाइल को कैसे हल किया गया तो बेसिकली uh, uh, वट इज़ द पर्पज़ ऑफ़ सिविल सोसाइटी और इसका जो पोलिटिकल डायनामिक के साथ ताल्लुक़ है वो इस पर बेस करता है टू होल्ड दिल्टी ऑफ दोज दोव द पावर सिविल सोसाइटी बेसिकली इट प्रोवाइड्स अ परमानेंट चेक ऑन द पोलिटिकल पावर होल्डर्स सो इट हैज़ बेसिकली टू ऑबजेक्टिवस नंबर वन दैट वट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस क्या वो रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करा रही है क्या वो बेसिक ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट तो नहीं जा रही हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है क्या वो रिफॉर्म्स उसके एंट्री तो नहीं है एंटा रिफॉर्म्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ बोथ लीडर्स एंड सिटीजन्स और जो रिफॉर्म्स करवाई कर रहा है निज़ाम इंट्रोड्यूस या हुकूमत जो रिफॉर्म्स कर रही है उसमें ये देखा जाएगा कि क्या वो रिफॉर्म्स महज लीडरशिप के फ़ायदे के लिए हैं या उसके अंदर सिटीजन्स के लिए भी कोई से है तो हम प्रॉपरली uh, देख सकते हैं कि अगर दुनिया में किसी भी हुकूमत की कारदगी को इवेलुएट करना हो और वी वॉन्ट टू डिसाइड डेट वट टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इज़ वर्किंग इन एनी टाइप ऑफ स्टेट Uh, whether the Western country or whether in the subcontinent, or what type of performance our own government has, then we can apply this formula that what are the two major objectives of foreign policy? That what type of institutional reforms and whether the reforms are linked only with the leaders or whether they are linked with the citizens also. तो वी कैन सेट कंटिन्यूड स्टेट अथॉरिटेरिज्मबिलिटी वर सी एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिटीजन बींग डेलीबरेटली कैप्ट इन इग्नोरेंस ऑफ देयर राइट ट्रडिशनली या आज भी दुनिया में कई निज़ाम ऐसे हैं जो अपने लोगों को ही ये अवेयरनेस नहीं देते हैं या लोगों को उनके बेसिक जो राइट्स हैं एज सिटीजनस लोगों तक वो कम्यूनिकेट नहीं करते हैं सिस्टम्स तो सिवल सोसाइटी बेसिकली क्या रोल प्ले करती है वो गवर्नमेंट की सिस्टम की इस सारी जो परफॉर्मेंस है उसको इवेलुएट करती है उसकी के लिए चेक लिस्ट बनाती है और फिर वो कम्युनिकेट करती है गवर्नमेंट को कि कहाँ कहाँ गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए उसके ऊपर एक चेक रखती है सिविल सोसाइटी तो वी कैन से दैट द सिविक एजुकेशन इनिशिएटिव्स दिस इज मेनली एंड अदर वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्टेप बाय द सिविल सोसाइटी ऑल ओवर द वर्ल्ड कि डिसिविक एजुकेशन है कि लोगों को ट्रेंड करना कि वट टाइप ऑफ राइट्स दे हैव एंड वट आर देयर बेसिक ड्यूटीज एज प्रॉपर सिटीजन्स तो जब तक लोगों को ये एजुकेट नहीं किया जाएगा लोगों के अंदर ये सेंस ऑफ अवेयरनेस नहीं करिएट की जाएगी कि वो अच्छे शहरी कब बन सकते हैं जब उनको ये पता हो कि उनके राइट्स और उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं एंड वेदर द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू डिलीवर देयर बेसिक राइट्स और वेदर द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू सोशलाइज द ड्यूटीज ऑल्सो टू द सिटीजंस क्योंकि गवर्नमेंट अगर लोगों की ट्रेनिंग नहीं करती लोगों की सोशलाइजेशन नहीं करती कि उनके हकूक़ क्या हैं और उनके प्राइज क्या हैं तो अच्छे सिटीजेंस नहीं बना रही सो सिविल सोसाइटी हैज़ टू मेक स्ट्रगल फॉर इम्प्रूवमेंट इन पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट तो जहाँ जहाँ ऐसी खामियाँ होंगी सिविल सोसाइटी उनको ओवरकम करने के लिए एफर्ट करती है प्लान करती है और यही रोल है किसी भी जगह पर सिविल सोसाइटी